हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 27, 28 और 29 को मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम होने वाला है। इनमें से कई सारे TA, स्टेनो और आपके MTS आपके अपियर होने जा रहे हैं। तो आप पेपर 3 और पेपर 4 के इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। पेपर 1 और 2 के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी एक इस चैनल पे वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप नोटिफिकेशन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका पेपर 3 है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और टोटल 150 मार्क्स का होता है, और जो आपका पेपर 4 है वो आपका न्यूमेरिकल टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और ये 150 मार्क्स का ये भी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर 3 के लिए आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाने होते हैं और पेपर 4 के लिए भी आपको मिनिमम 75 मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर 3 और पेपर 4 की तैयारी करें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने ही लाने हैं। और इसके साथ ही साथ पेपर 4 में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं। क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही होता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो चलते हैं सबसे पहले पेपर 3 की तरफ। तो पेपर 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में है। अब असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में आपको कई सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, 143, 147, 144, ऐसे कई अलग अलग सेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। सेकंड आपका है अपील एंड रिवीजन। अपील एंड रिवीजन में आपका कई सारे अपील्स कैसे होती हैं, उनको रिवाइज कैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। अब पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन में क्या रहता है कि इसमें अगर कोई भी SSC टैक्स नहीं बढ़ता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टी लगाई जा सकती हैं और प्रोसिक्यूशन का क्या रूल रहता है। चौथा आपका है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स में आपका जैसे कि पता है कि अगर कोई एडवांस टैक्स बढ़ता है तो उसका क्या प्रोविज़न रहता है। नेक्स्ट है आपका ITR रेट एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस, TDS एंड TCS। अब इसमें क्या रहता है कि ITR जो भी भरे जाते हैं उनका रेट्स कैसा क्या रहता है, टैक्सेस का TDS कैसे क्या रहता है, TCS क्या रहता है। नेक्स्ट है आपका सर्च एंड सीजर। अब सर्च एंड सीजर में आपका कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, सेक्शन कौन कौन से रहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपका आता है रिफ़ंड का। तो रिफ़ंड में आपका कैसे क्या रिफ़ंड का प्रोसीजर होता है, किस सेक्शन के थ्रू रिफ़ंड होता है, रिफ़ंड के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर है आपका टैक्स रिकवरी। यहाँ पे आपका टैक्स होगा, टैक्स रिकवरी। तो टैक्स रिकवरी में आपका कि मान लीजिए कोई भी SSC अगर टैक्स नहीं भर रहा है तो उसको रिकवर कैसे करना है, उसका आपको इसमें पूरा प्रोविज़न पढ़ना होता है। फिर लास्ट आपका है अदर टॉपिक्स। तो अदर टॉपिक्स में आपके इसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवरअप करने होते हैं, जो कि इन शॉर्ट थोड़े थोड़े ही रहते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में। अभी हमने जैसा कि देखा अलग अलग पेपर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स थे। तो सबसे पहला असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि 143 सेक्शन स्क्रूटनी असेसमेंट रहता है। अब इसमें स्क्रूटनी जब होती है, अभी हालांकि सब ऑनलाइन हो गया है लेकिन जब ऑफलाइन था तो तब स्क्रूटनी वगैरह का भी था, लेकिन अभी सब ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू चल रहा है। फिर इसके बाद आपका असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, ये आपका सेक्शन 147 के अंडर कवर होता है। फिर आपका है बेस्ट जजमेंट SSC, जब कोई SSC असेसमेंट में साथ नहीं देता है तो फिर AO जो होता है वो सेक्शन 144 पास करके बेस्ट जजमेंट देता है। फिर है आपका असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। मैंने आपको बताया था कि अभी लास्ट टाइम सर्च एंड सीजर का जो अभी सिलेबस में आया था तो उसके रिगार्डिंग ये इसमें पढ़ना होता है, 153A जो होता है वो इसी के उसमें कवर्ड है। फिर आपका है 142 सेक्शन इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट के पहले इंक्वायरी करना, ये सेक्शन 142 कवर करता है। फिर 156 जो होता है वो नोटिस ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में 156 सेक्शन जो है वो पूरा आपका कवर अप होता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। अब पेनल्टीज में आपका कौन कौन सी पेनल्टी लगाई जा सकती है, जैसे 271A की होती है जो कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाने के अगेंस्ट में आपकी लगाई जाती है, और इसकी जो पेनल्टी है वो AO और CRT अपील भी लगा सकता है, और ये जो पेनल्टी है वो आपकी 25,000 की होती है। सेकंड आपका है 271AAA, 271AAA जो पेनल्टी है वो आपकी सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, कई ऐसे सेक्शंस होते हैं, और इनमें जो पेनल्टी होती है वो सेक्शन 115BBE का जो भी इसके अगेंस्ट में जो अमाउंट होता है उसका 10% पूरा आपका पेनल्टी के रूप में लगाया जाता है। फिर आपका है 271B। 271B क्या होता है कि अगर आप अकाउंट ऑडिट नहीं करा पाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपका 271B होता है इसमें, और ये जो पेनल्टी होती है वो सेक्शन 44AB के अगेंस्ट में कोई भी AO लगा सकता है, मतलब कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती लेकिन AO जब चाहे लगा सकता है। इसके बाद आपका 271BA। अब ये क्या होता है कि अगर कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो फर्निश करने में अगर फेल होता है कोई भी SSC तो सेक्शन 92A के अगेंस्ट में AO इस पेनल्टी को लगा सकता है। अब आपका नेक्स्ट जो है 271C, तो 271C जो होती है वो अगर कोई भी SSC है वो TDS डिडक्ट करने में फेल होता है तो इसके अगेंस्ट में ये पेनल्टी लगाई जाती है, और ये पेनल्टी JCIT जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही लगा सकता है। फिर आपका है 271CA। इसके बाद बहुत सी अलग अलग पेनल्टीज होती हैं, तो ये मैंने आपको कुछ पेनल्टीज बताई हैं, और इसके आगे भी आपको कई सारी पेनल्टीज के बारे में पढ़ना होता है। अब हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारा पेपर 4 के बारे में। जैसा कि पेपर 3 में यही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, तो चलते हैं पेपर 4 के बारे में। पेपर 4 में आपका सिलेबस है जनरल टर्मिनोलॉजीज, टैक्स रेट, सरचार्जेस एंड सेस। अब इसमें जनरल टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि भाई SSC किसे कहते हैं, TDS क्या होता है, TDS क्या होता है, ITR कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन सा ITR कौन सा SSC फाइल कर सकता है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर आपका है इनकम अंडर हेड सैलरी, तो इसमें क्या रहता है कि आपका रिटायर्ड, पेंशन, लीव, इन्केसमेंट आपका इसमें पूरा कवर अप होता है। नेक्स्ट आपका है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या रहता है कि जब कभी भी आप किसी भी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उसका क्या प्रोविजन रहता है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका है इनकम अंडर BGPB, मतलब प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल, इसमें कैसा क्या प्रोविजंस रहते हैं, इसमें क्या टैक्सेस है, टैक्स कैलकुलेशन रहता है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट आपका है इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, हेड कैपिटल गेन भी आपका इसी में ही, इन तीनों में ही कवर अप हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज। अब इसमें क्या रहता है कि अदर सोर्सेज में मान लीजिए कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें जब जैसे मान लो आपने जो भी आपका बेनिफिट होता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। मान लीजिए कि किसी स्टॉक पे आपको डिविडेंड मिला तो उसमें कैसा क्या टैक्सेस का कैलकुलेशन रहता है, ये आपको बताया जाता है। अब नेक्स्ट आपका रहता है जो आपके डिडक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ 80C का रहता है, 80CCC का रहता है, 80CCD का रहता है, 80CCE का रहता है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस और कितनी रिलीफ दी जाती है। फिर आपका है एडवांस टैक्सेस के बारे में आपको बताया जाता है, इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट आपका होता है, जैसे 234E, 234ABC, ये करके, जैसे 234E जो होता है वो TDS रिटर्न टाइम से फाइल करने के अगेंस्ट में लगाया जाता है कि जब आप टाइम से फाइल नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही ABC भी आपका लगाया जाता है। फिर आपका आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, जैसे मान लीजिए किसी भी SSC को एक साल में लॉस हुआ तो उसको वो कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। फिर आपका आता है TDS एंड TCS कि कौन कौन से SSC ऐसे होते हैं जिनको TDS डिलीट करना होता है या TCS डिलीट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में भी अगर वो फेल होते हैं डिलीट करने में तो पेनल्टी लगाई जा सकती है और वो पेनल्टी AO लगा सकता है। फिर आपका आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप फर्म कोई है तो उसमें कैसे क्या टैक्स कैलकुलेट होगा और वो टैक्स जो है वो कितने पार्टनर्स के बीच कैसे क्या डिवाइड होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है।
अब इसके बाद ये तो हो गए मेन टॉपिक्स। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। अब इनमें सबसे पहला आपका होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, दूसरा होता है आपका कैश लिमिट, ये आपका सेक्शन 68, 69 to 69 के अंडर में कवर होता है। फिर आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रस्ट, अब ट्रस्ट के अंडर में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 14A जो आपका डिस अलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर का रहता है। फिर आपका आता है मैट AMT, इसके बाद आपका सेक्शन 10AA क्या कहता है। फिर एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कई बार क्या होता है लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही सिनेरियो में देखेंगे तो एग्रीकल्चर पे भी कहीं ना कहीं टैक्स जो होता है वो अप्लाई होता है। फिर आपका आता है रेसिडेंटियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आपका आता है डीम्ड इनकम अक्रॉस द इंडिया। तो फिर आपका आता है रेसिडेंटियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी, इसके बाद आपका आता है डीम्ड इनकम एक्रूज और एराइज इन इंडिया। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके पेपर 4 के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो आप